वेलकम टू कुक विद मरियम। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मायोनीज। मायोनीज बहुत सिंपल होती है और बहुत ही अच्छी बनती है घर के अंदर। जैसे आप बाजार से लेते हैं उसी तरह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आप घर में उसी तरह से थिक फॉर्म में बना सकते हैं। अगर आप मेरे जो टिप्स हैं वो उनको फॉलो करेंगे तो आपकी बिल्कुल उसी तरह से मायोनीज बनेगी जैसे बाजार से थिक फॉर्म में मिलती है। ये एग के एग वाइट से भी बन सकती है, एग योक से भी बन सकती है, पर मैं यहाँ पे फुल एग यूज करूंगी। इसके लिए जो जो चीजें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 कप ऑयल ले लिया है। 2 कप ऑयल एक जग फॉर्म में जरूर लिएगा, क्योंकि इसका भी एक टिप है कि इसको जग फॉर्म में लिएगा। उसको जब मैं बनाने लगूंगी फिर मैं आपकी इसकी टिप शेयर करूंगी कि क्यों इसको जग फॉर्म में ही ऑयल को लिएगा। यहाँ पे मैंने 2 eggs ले लिए हैं और यहाँ पे मैंने शुगर जो है वो 2 teaspoon ले लिए। ठीक है, ये ऑप्शनल है, आपने डालना है तो आप डाल सकते हैं। कुछ चीज़ें मैंने ऑप्शनल यहाँ पर डाल रखी है, इसके बगैर भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने ये शुगर और ये वाइट पेपर, ये ऑप्शनल है इसमें, तो इट्स अप टू यू। अगर आपने इन दोनों को स्किप करना है आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 teaspoon जो है शुगर ले ली है और 1/2 teaspoon वाइट पेपर ले लिया है और यहाँ पे मैंने जो 1/2 teaspoon मस्टर्ड पाउडर ले लिया है। 3 tablespoon मैंने विनेगर ले लिया और 1/2 teaspoon सॉल्ट ले लिया और सबसे इम्पोर्टेंट हमने यहाँ पे मैंने एक बॉटल ले ली है। ये बॉटल फिल्ड हो जाएगी 2 eggs से, हो सकता है बच भी जाए। ठीक, नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पे मैंने ब्लेंडर ले लिया है, ये ब्लेंडर है। अब मैं इसके अंदर ये 2 eggs को मैंने इस बाउल में डाल दिया है। अब मैं ये इसमें पोर कर लूंगी, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। जब इसके बाद मैं इसमें ये शुगर ये ऐड कर दूंगी, विनेगर ये ऐड कर दूंगी, मस्टर्ड पाउडर ये ऐड कर दूंगी। ये ऊपर से एक होल है, ये इसके होल से मैं ये इसके अंदर डाल रही हूँ। व्हाइट पेपर ये डाल दिया, सॉल्ट, ये सारी चीजें मैंने इसमें डाल दी है एक्सेप्ट ऑयल। एक्सेप्ट ऑयल मैंने हर चीज डाल दी। अब मैं इसको अच्छे से जरा 1 मिनट के लिए ब्लेंड करूंगी। ये सब चीजें इसके अंदर अच्छे से ब्लेंड हो गई हैं। अब मैं इसके अंदर ऑयल डालूंगी। ऑयल का तरीकेकार क्या है, ये ऑयल है, ये इसमें मैं ये डालने बहुत ही स्लो जैसे कहते हैं एक धार में आपने इस ऑयल को डालना है। स्टार्टिंग 1 मिनट के लिए, 1-1.5 मिनट के लिए आपने बिल्कुल स्लो एक धार की तरह ब्लेंडर चलते हुए ब्लेंडर के अंदर डालना है। उसके बाद आप थोड़ा स्पीड तेज कर सकते हैं। अगर आप ये स्टेप फॉलो करेंगे तो ही आपकी मायोनीज जो है बहुत अच्छी सी टेक्सचर में आएगी। तो अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखिए आपके सामने मैंने किस तरह से इसमें डाली थी, बिल्कुल इसी तरह से आपने इसमें मायोनीज डालनी। लेकिन इम्पोर्टेंट स्टेप जो है वो ये है कि आपने इसको खोलना है जिस टाइम पे आप सारा ऑयल डाल देंगे, ये थोड़ी सी थिक हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, ये ब्लेंडर है, इसके अंदर आप ये देख सकते हैं मायोनीज और ऑयल थोड़ा सा सेपरेट आपको नजर आ रहा हो। आपने इसको इस स्पैचुला की मदद से आपने इसको प्रॉपरली मिक्स करना है। ये देखें, इसको अच्छे से आपने स्पून की मदद, इस स्पैचुला की मदद से इसको अच्छे से आपने, क्योंकि ये थिक हो जाती है तो फिर ब्लेंडर में ये सही से घूमती नहीं है,
इसलिए ये आपने स्टेप जो है 2-3 times करना है। दोबारा से मैं इसको ऑन करूंगी, दोबारा बंद करूंगी, इसको ऊपर से खोलूंगी और दोबारा से ये स्पैचुला इसके अंदर घुमाऊंगी। इससे बहुत अच्छी सा टेक्सचर एकदम एक जैसा बन जाएगा। अब लास्ट में तीसरी दफा ये करने लगी और इसके बाद हमारी मायोनीज रेडी हो जाएगी। ये देखें अब हमारी मायोनीज बिल्कुल रेडी हो गई। मैं इसकी फॉर्म भी आपको दिखा दूंगी, थिक फॉर्म है ये देखें, थिक सी एक फॉर्म बन गई है इसमें। जबरदस्त मायोनीज रेडी हो गई है। अब मैं इसको आपको एक बॉटल के अंदर निकाल के भी दिखाती हूँ। ये देखिए मायोनीज रेडी हो गई है, इस बॉटल के अंदर मैंने फिल कर दी है। अभी भी थोड़ी सी जग के अंदर मेरे पास है। अब मैं उसका टेक्सचर शो करने के लिए एक बाउल में आपको उसको निकाल के दिखाऊंगी। ये देखिए इतनी जबरदस्त मायोनीज आपके घर में रेडी हो सकती है और आप इसको फ्रिज में रखकर आप इसको यूज करते रहें। ये मायोनीज रेडी हो गई है, इसको जरूर अपने घर में ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपकी मायोनीज क्या कैसी बनी है। और अगर कोई मसला हुआ हो तो आप जरूर मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब भी दूंगी। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखिएगा।